रेमेडियल क्लास डे टू है बेटा। आप लोगों का जो पहला फर्स्ट डे का टारगेट था वो कंप्लीट नहीं हुआ था। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था दैट वी हैव टू टॉपिक्स। पहला टॉपिक था जो कि दैट वाज अबाउट टाइप्स ऑफ नंबर्स, और दूसरा टॉपिक हमने इसमें कौन सा करना था बेटे, डायरेक्टेड नंबर्स। तो चूंकि वो कंप्लीट नहीं हुआ था आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे बेटा। डायरेक्टेड नंबर्स किसे कहते हैं? डायरेक्टेड नंबर्स को आप समझ लीजिए कि ये ऐसे नंबर हैं जिनके साथ कोई ना कोई साइन मौजूद है, ठीक है। डायरेक्टेड नंबर्स कौन से हैं बेटा? वो नंबर्स जिनके साथ साइन है, ठीक है। तो ऐसे नंबर जिनके साथ साइन है जैसे प्लस थ्री, माइनस टू और प्लस फोर, माइनस सिक्स, माइनस 0.5। तो डायरेक्टेड नंबर्स में और इंटीजर्स में यही फर्क है कि कोई भी नंबर जिसके साथ साइन हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो कोई डेसिमल हो, चाहे वो कोई फ्रैक्शन हो, उन सबको हम डायरेक्टेड नंबर्स कहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट की बात करें बेटा, अगर आपका बैंक अकाउंट हो या जैसे मोबाइल में बैलेंस होता है, लेट सपोज, जैसे तो आजकल आप लोगों को इस हवाले से पता होता है, जैसे इजी पैसा अकाउंट तो अक्सर बच्चों ने बनाया हुआ होता है, मोबाइल नंबर पर बन जाते हैं। कोई बैंक अकाउंट या जैसे कोई मोबाइल अकाउंट्स होते हैं ना, उसके हवाले से अगर मैं एग्जांपल दूं, और वो एग्जांपल ये है कि भाई आप अगर कोई वैल्यू आपके अकाउंट में शामिल हो, लेट सपोज पहले आपके पास जो है ना वो आपके उस इजी पैसा अकाउंट में 1000 रुपये थे, ठीक है, और वो 1000 रुपये में अब क्या हुआ कि आपने उसमें से कुछ पैसे किसी काम में लगा दिए, लेट सपोज आपने कोई फूड डिलीवरी करवा ली, उसको आपने इजी पैसा से पे कर दिया, डिस्काउंट आया हुआ था, आपने यूज़ किया उसे, तो वो आपके पास जो है वो उस अकाउंट में से अगर 200 रुपये क्या होंगे, वो 200 रुपये ऐड होंगे माइनस होंगे ना, तो वो जो वैल्यू है ना वो क्रेडिट होगी, मतलब वो चीज़ जो है ना वो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, और ये जो आपका जो वो 200 रुपये के जो उसके चार्जेस हैं वो एक्चुअली -200 काउंट होंगे आपके बैंक बैलेंस के या इजी पैसा के जो बैलेंस है उसके हिसाब से। और अगर ऐसा हुआ कि आपके पास कोई ऑफर थी जिसमें आपके पास ये -200 तो हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि जितने पैसे भी आप खर्च करोगे उसके 50% कैशबैक हो जाएगा, तो क्या हुआ हो? तो -200 के बाद क्या हुआ होगा बेटे? +100 हो गया होगा। सो व्हाट विल बी योर करंट इजी पैसा बैलेंस राइट नाउ? 900। इट विल बी 900। व्हाई? ओके, 1000 में से पहले 200 माइनस हुए और फिर वापसी, जब वो माइनस हुए थे तो क्या आंसर आया था? 800। अब ये ऐसी एग्जांपल है जिसके अंदर माइनस का 200 रिप्रेजेंट कर रहा है अकाउंट में से कुछ कम होने को, और प्लस का 100 अकाउंट में वापसी इजाफा होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस जिसमें प्लस और माइनस जो है ना वो, अगर प्लस एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो माइनस दूसरी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी ना आपके इजी पैसा अकाउंट की, तो उसमें प्लस का मतलब है उसमें इजाफा होना, माइनस का मतलब है उसमें कमी होना। इसी तरह देयर आर नंबर्स विद साइंस, और वो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ बेटे, जैसे अगर हमारे पास प्लस का 5 और माइनस का 3 एक साथ लिखा आ जाए, क्या करेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन होगा?
और अगर माइनस का 3 और प्लस का 2 हो। ठीक है ठीक, सब खामोश हैं जी। दोनों के आंसर्स बताओ जो ये लिखे हैं। देर आर वेराइटी ऑफ लेवल्स ना यहाँ पे, मैं 6, 7, 8 सबको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरे आंसर्स का पता है कि कुछ को नहीं आते होंगे। जी बेटे सही है, ऊपर वाले का जी अब्दुल्ला क्या है, ऊपर वाले का आंसर 2 है ना यार, क्यों है? और अगर मैं इसी के बजाय माइनस के 3 मल्टीप्लाई कर रहा होता प्लस के 2 से, तो मेरा आंसर क्या आता? माइनस के 2 से, चलो मैंने लिख दिया, 6 आता। प्लस का या माइनस का? प्लस प्लस का। अब देखो ये रिवीजन ही है एक तरीके से, ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, बट जल्दी से ना मैं इसको, क्योंकि ये जो टॉपिक आसान है उस पर फिर हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, मैं जल्दी से कुछ रूल्स लिख रहा हूँ, वो रूल्स अपने पास नोट कर लो कि भाई ये जो इंटीजर्स या डायरेक्टेड नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होती है या सब्ट्रैक्शन होती है, इसका क्या रूल है? ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का रूल ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स। इसके अंदर ना बताए आपने क्या चीज़ याद रखनी होती है, इसमें आपने बस ये चीज़ याद रखनी होती है कि मैं जब भी आपको ये पढ़ा रहा हूँगा ना, देखो इसमें मल्टीपल तरीके हैं इस बात को करने के, इसको नंबर लाइन पे भी किया जाता है। नंबर लाइन पर समझने में कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है, वो मैं आपको एक आध क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, मगर ये जो बेसिक रूल्स है ना, आप हर जगह नंबर लाइन नहीं बना सकते, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास क्वेश्चंस करते हैं। हमें ये बेसिक रूल्स पता होने चाहिए कि भाई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन जब हम कर रहे हैं डायरेक्टेड नंबर्स की, तो बेटा इसमें ये याद रखो कि हमारे पास जब भी सेम साइंस वाले मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लिकेशन तो वैसे ही होगी, मगर इसका जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। व्हेन सेम साइन मल्टीप्लाई और डिवाइड द आंसर वी गेट इज पॉजिटिव। लाइक अब इसकी चार पॉसिबल एग्जांपल हैं, जैसे -1 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, चलो पहले +1 को मल्टीप्लाई कर दें प्लस के 4 से, आंसर आएगा जी, आंसर आएगा प्लस का 4, यानी सिर्फ 4। क्यों भाई? क्योंकि दोनों सेम साइन मल्टीप्लाई हुए, प्लस प्लस सेम साइंस है। व्हेन एवर सेम साइंस आर मल्टीप्लाइड द आंसर वी गेट इज पॉजिटिव एंड 1/4 आर 4। जी दूसरी एग्जाम्पल, दिस वॉज फर्स्ट एग्जाम्पल, द सेकेंड एग्जाम्पल इज -2 मल्टीप्लाई विद -3। सो द आंसर इज 2, 3 आर 6, एंड चूंकि दोनों के साइन सेम है, दोनों नेगेटिव हैं, तो हमारे पास अगेन जो आंसर होगा वो प्लस का होगा। सो द सेम, व्हेन एवर वी हैव सेम साइन मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग, ठीक है, तो हमारे पास जो उसका जवाब आएगा वो पॉजिटिव होगा। अब यही चीज डिवीजन पे इंप्लीमेंट करके देख लो भाई, अगर के माइनस या चलो प्लस का 5, चलो ये वैल्यू जो है ना वो डिविजिबल नहीं है तो कोई और ले लेते हैं 10, प्लस का 10 डिवाइड हो रहा है प्लस के 2 से, यानी इसको इस तरह लिखो या भाई इसको इस तरह लिखो, +10 डिवाइड बाय +2 मीन्स द सेम इन बोथ केस, प्लस प्लस सेम साइंस, व्हेन सेम साइंस डिवाइड द आंसर वी ऑब्टेन इज इन प्लस साइन पॉजिटिव, सो 10 डिवाइड बाई 2 इज 5 एंड आंसर टू दिस साइन टू दिस आंसर इज पॉजिटिव प्लस 5। सिमिलरली द फोर्थ एग्जाम्पल इज
माइनस का 15 डिवाइडेड बाय -3। फाइव अगेन द आंसर इज 5 विद प्लस साइन बिकॉज बोथ हैव माइनस साइन। आप इसको ऐसे भी बोला करते हैं कि माइनस का 15 है और माइनस का 3 लेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बट आप इसे अगर इस तरह याद रख लो ना कि भाई चूंकि दोनों के साइंस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास आंसर जो इसका आएगा वो पॉजिटिव हो। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, जो कि है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल नंबर 2, और वो है डिफरेंट साइंस का। जब भी कोई दो वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही हैं एंड दे हैव डिफरेंट साइंस, तो हमारे पास जो आंसर होगा उसका वो हमेशा नेगेटिव आएगा। आंसर विल बी नेगेटिव। अब मल्टीप्लिकेशन में बात कर लें, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट माइनस का 1 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस प्लस के 4 से। तो डिफरेंट साइन है, एक माइनस का है एक प्लस का है। बेटा क्या आएगा इसका जवाब मुसव्वर? मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे, मैंने क्या कहा? मैं मल्टीप्लिकेशन पढ़ा रहा हूँ अभी, मल्टीप्लिकेशन, और आपको नजर नहीं आ रहा मल्टीप्लाई साइन लगा हुआ। तो मल्टीप्लाई हो रहे हो और साइन डिफरेंट हो, डिफरेंट का मतलब भाई दो ही साइन होते हैं नंबर्स के, आइदर अ नंबर हैज अ पॉजिटिव साइन और अ नेगेटिव साइन। डिवाइड और मल्टीप्लाई, दीज आर ऑपरेशंस, ठीक है ना? जो नंबर कैरी करते हैं अपने साथ साइन, वो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। तो भाई दूसरी चीज इसमें जो है वो ये है कि जैसे अगर प्लस का 2 हो और माइनस का 3 हो, तब भी आंसर माइनस का 6 आएगा। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि आप बोलोगे बड़े का साइन या छोटे का साइन। दैट इज अ रूल जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज यूज इन व्हेन डायरेक्टेड नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, तो ये समझ आ गया भाई? -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 4, आंसर क्या आया? -4 क्यों आया? बिकॉज बोथ हैव डिफरेंट साइंस। व्हेन एवर वी हैव डिफरेंट साइंस मल्टीप्लाई, द आंसर वी गेट इज नेगेटिव। जी समझ आ रहा है बेटे? अच्छा जी, चले अब इसी रूल के मुताबिक अब अगली जो है ना आप लोगों ने प्रिडिक्ट करके बताना है आंसर मुझे, ठीक है? So, अगर माइनस का 10 डिवाइड हो रहा हो प्लस के 2 से, जी बताइए अलीहा, क्यों भाई तुम माइनस प्लस में कंफ्यूज क्यों चले जा रहे हो? -5 है, किसी ने प्लस भी बोला है दरमियान में, सबको -5 है, सबको पता है क्यों? क्योंकि डिफरेंट साइन है, ठीक है? डिवाइड या मल्टीप्लाई में डिफरेंट साइन हो तो नेगेटिव आता है आंसर। बड़े है या छोटा है का रूल नहीं है यहाँ पे। प्लस का 15 लिखा हो और डिवाइड हो रहा हो माइनस के 3 से। अच्छा बताइए पहले का आंसर क्या आया बेटा और दूसरे का आंसर क्या आया? क्यों? बिकॉज जो डिवाइड होने वाली वैल्यूज है उनके साइंस डिफरेंट है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जहन में बैठा है, डिफरेंट और सेम साइंस, ठीक है? सो अब ये समझ आ गया तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट रूल पे, जो कि है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी सेम और डिफरेंट साइन को बड़े तरीके से जो है ना वो याद रखना होता है। कि जब, चलो एडिशन का अलग पढ़ाऊंगा सब्ट्रैक्शन का अलग पढ़ाऊंगा। एडिशन कब होती है ये चलो बता देते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए ना। एडिशन किस वक्त होती है?
एडिशन सब्ट्रैक्शन डायरेक्टेड नंबर्स की सिर्फ उस वक्त होगी बेटा जब साइंस सेम होंगे। डायरेक्टेड नंबर्स आर एडेड ओनली व्हेन साइंस आर सेम। व्हेन साइंस आर सेम डायरेक्टेड नंबर्स आर एडेड। व्हेन साइंस आर डिफरेंट डायरेक्टेड नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड। चलो अब इस चीज को ना एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। जैसे कि भाई अगर मेरे पास साइंस सेम है, जैसे कि प्लस का 2 है और प्लस का 4 है, तो आंसर आएगा प्लस का 6। आंसर का साइंस सेम रहता है, माइनस का 2 है और माइनस का 5 है या 4 है, चलो आंसर आएगा माइनस का 6। अब ये चीज है जिसको आपको अगर बेटर समझना है तो आप इसके लिए नंबर लाइन को यूज कर सकते हो। जैसे अगर मेरे पास ये 2 और 4 हैं, ये किस जगह पे शो होंगे, ये हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन, ये पॉजिटिव वैल्यूज चल रही हैं अभी। अब अगर ये प्लस के 2 को मैं मार्क करूं तो प्लस का 2 यहाँ पर आएगा ना, ठीक है। अब प्लस 2 में अगर प्लस 4 मतलब राइट की तरफ 4 जाएंगे, प्लस है रहा है तो इसका मतलब क्या करना है, राइट की तरफ मूव करना है। दिस प्लस इज रिप्रेजेंटिंग मूविंग टुवर्ड्स राइट। इसके मुताबिक आपने 4 बॉक्सेस यानी 4 डिजिट्स इस तरफ मूव किया तो आप कहाँ पर पहुँचे, आप पहुँच गए प्लस के 6 पे। दैट्स योर आंसर। बट ये चीज़ ना मैं वही बार बार कह रहा हूँ कि नंबर लाइन इज नॉट एप्लीकेबल इन ग्रेड 9 10 लेवल। आप क्या कर रहे होते हैं उस वक्त, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप हर जगह ये बना के देखो। मैं सिर्फ एक आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर पॉजिटिव होता है तो आप राइट की तरफ 5 मूव कर जाते हो, नेगेटिव है जैसे यहाँ पर, लेट सपोज द एग्जाम्पल इज सेम ये वाली, इसको अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाहूँ तो मेरे पास गिनती जो है ना वो उल्टी हो जाएगी, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। आप करंटली यू आर एट माइनस का 2, ठीक है, और माइनस के 2 के बाद आपको माइनस करना है 4। आप किस तरफ जाओगे, माइनस के लिए लेफ्ट की तरफ, जब आप प्लस के लिए राइट की तरफ जा रहे हो तो माइनस के लिए लेफ्ट की तरफ जाओगे। और फिर क्या होगा, 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स आप लेफ्ट हुए, माइनस का 4 हो गया, तो आप कहाँ पर मौजूद हो, यू आर एट -6, ठीक है ना। सो दैट इज हाउ नंबर लाइन वर्क्स इन दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नंबर लाइन बनाएं हर जगह। तो मैंने आपको रूल क्या बताया भाई, रूल ये याद रखो, व्हेन एवर वी हैव सेम साइंस ऑफ बोथ नंबर्स what we do is we do addition and the sign remains same। like इसकी एक दो examples और लिख रहा हूँ जिसके answers आप लोगों ने दे दें, ठीक है। मुसविर बेटे बताओ -5 और -2 क्या आया, -7। बहुत अच्छे भाई, जल्दी जवाब देना है मुझे। आप जी बेटे आपने अब जवाब देना है प्लस का 10 प्लस का 3 प्लस, गुड पावर। बेटे अब आप आंसर करो -6 -3 -9। शाबाश, किया ऐड, साइन वही सेम लगा। समझ आ रही है बात गर्ल्स में, सबको समझ आ गया ये। सो दिस इज द रूल ऑफ एडिशन। और इसमें सिर्फ एक चीज चेंज होती है बच्चे, कभी कभार हमारे पास दो साइंस आ जाते हैं तो उसमें क्या किया जाए, जैसे अगर वो बोल रहे हैं भाई ऐड द फॉलोइंग, क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग, ठीक है, और ऐड द फॉलोइंग में आपको लिख के दे दिया उन्होंने कि भाई माइनस का 5 को ऐड करो माइनस का 2। अब ये बीच में प्लस का साइन जो लगा हुआ है इस पे क्या होगा,
इस पे वो लॉजिक इम्प्लीमेंट होगी जो आप लोगों ने याद की है कि जब दो साइंस मल्टीप्लाई होते हैं और उसकी लॉजिक वही है कि दोनों सेम साइंस हैं तो हमेशा क्या आएगा प्लस, कि दोनों माइनस हैं तो भी प्लस, जैसे प्लस मल्टीप्लाई विद प्लस द आंसर इज प्लस, माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस द आंसर इज प्लस, एंड सिमिलरली माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस और प्लस मल्टीप्लाई विद माइनस, यानी दो डिफरेंट साइंस हैं, देन यू विल गेट माइनस साइन। ठीक है, सो भाई यहाँ पर क्या होगा, ये साइन और ये वाला जो साइन है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और प्लस और माइनस साइन जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है बेटे, एंड द आंसर वी गेट माइनस 7। समझ आ रही है बात। अब इसके बाद अगर हमारे पास सब्ट्रैक्शन के बारे में बात की जाए कि डायरेक्टेड नंबर्स में सब्ट्रैक्शन कब होती है भाई, तो डायरेक्टेड नंबर्स में सब्ट्रैक्शन होती है जब कभी डिफरेंट साइंस हो। कब होगी, जब डिफरेंट साइंस हो एक साथ आ जाए ना तो सब्ट्रैक्शन हो। अब डिफरेंट साइंस के साथ रूल क्या है कि डिफरेंट साइंस तो हो मगर साइन किसका लगेगा जब आंसर आएगा, तो डिफरेंट साइंस पे आप क्या करते हो, वी डू सब्ट्रैक्शन विद प्लस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू, जो उन दोनों में जिनको आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया उसमें जो ग्रेटर वैल्यू का साइन है वो आपको कंसिडर करना होता है। और उसका रीज़न बताता हूँ बेटा, उसका रीज़न ये है कि फॉर इंस्टेंस -10 इज योर करंट डेप्थ। बेटे बैठे रहो यार, क्या मतलब है, इधर ही आ जाओ, टाइम इतना नहीं है हमारे पास, क्या जो है ना वो बार बार इधर उधर। सो अगर -10 जो है वो समझ लो कि अगर तुम्हारा अकाउंट बैलेंस -10 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तुम्हारे ना लोन चढ़ा हुआ है अकाउंट में, ये -10 तुम्हारा अकाउंट बैलेंस है और तुम जो है ना उसके अंदर अब डालते हो, लेट सपोज तुमने 100 रुपये डाले, तुमने 100 रुपये क्रेडिट दिए थे यार, तो तुम्हारे पास कितने का बैलेंस आएगा, तुम्हारे पास 90 रुपीज का बैलेंस आएगा या नहीं। और अगर इसी तरीके से तुम्हारे पास 10 रुपये थे और तुमने जो है ना वो कोई ऐसी चीज मंगा ली, लोन का आजकल वो होता है ना ऑप्शन, तुमने कोई चीज ऐसी मंगा ली जो 100 रुपये की थी, तो तुम्हारे ऊपर कितने का उधार होगा। तो माइनस रिप्रेजेंट्स लोन उधार है ना। अब आप खुद बताओ, अगर 10 रुपये उधार था, 100 रुपये ऐड कर दिए, तो 90 रुपये तुम्हारे पास बच रहे हैं ना, क्योंकि 10 माइनस हुआ उसमें, तो इसीलिए वो पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि तुम्हारा न्यू अकाउंट बैलेंस प्लस में है, 90 प्लस मतलब ऑलरेडी है, मौजूद है। बट माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि लोन है। अगर तुम इसमें साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू को नहीं लगाते तो तुम्हारे पास ये एक्चुअल मतलब तुम्हारा जो आंसर है वो लॉजिकल नहीं रहेगा। नोट करो ना कि -100 थे तो माइनस साइन किसके साथ था, ये सेकंड केस में बड़ी वैल्यू के साथ था, यानी उधार 100 रुपये जब हो रहा था तो उसकी वजह से जब ये कैंसिलेशन हुई तो अभी भी स्टिल 90 रुपये उधार बचा है, खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके। अगर यहाँ किसी कोई प्लस लिख देगा तो वो तो लॉजिकली बात सही नहीं रहेगी, कि आपके पास 10 रुपये थे, 100 रुपये वाली चीज ली तो 90 रुपये तुम्हारे पास एडिशनल आ गए, क्या ऐसा मुमकिन है।
लॉजिकली मुमकिन नहीं है। सो इसलिए जब कभी आप डिफरेंट साइंस होंगे तो करोगे सब्ट्रैक्शन, तो माइनस करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, और साइन कौन सा लगेगा बच्चों? बड़े नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ? तो बेटा अब बस इसमें ये चीज आपको बाबा करानी थी, और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जो आप समझना आई हो। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूँ फिर, अगर आपको समझ में आ गए तो। बल्कि एक काम ये करो, दैट यू ऑल हैव दिस वर्कशीट, आप इस वर्कशीट को ओपन करें, पेज नंबर जो 2 है इसका, इसमें आप लोगों ने ये सॉल्व किया है क्या? कोई बात नहीं, अगर सॉल्व किया गया तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ ना यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला, पहले इसके शुरू के 3 पार्ट जरा सॉल्व करके मुझे आंसर बताएं। ये जो मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चंस हैं इनके 3 का सॉल्यूशन बताएं बेटे जल्दी से। क्या हुआ वर्कशीट आपने ले लिया? अच्छा, ये सर में कंप्लीट नहीं होती ना बेटे, इसलिए देनी नहीं थी। अभी ऐसा करो, यहाँ से नोट करो अपने पास, ये पहले 3 क्वेश्चन दोनों जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। बेटा ये वाले 2 वाले करते हैं, ये तो हो रहे हैं आपसे, दिखाओ जरा आंसर क्या है। भाई याद रखिएगा, सेम साइंस और डिफरेंट साइंस के रूल्स को जो है ना जरा सही से आपने इम्प्लीमेंट करना है, नहीं समझ आ रहा पूछना है बेटा। अच्छा, इसके बाद ऐसा करो, नेक्स्ट पेज पे जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, चलो मैं इसका पार्ट इस पे भी लिख रहा हूँ, जैसे लिखा है माइनस का 55 प्लस, फिर लिखा हुआ है माइनस का 10 और फिर लिखा है माइनस का 10। अब ये जो क्वेश्चन है ना बेटे, इस पे थोड़ी सी डिस्कशन बाकी है, इसको ज़रा सुन लें। ये अभी मैंने वर्कशीट से उठाया बेटे क्वेश्चन, माइनस का 55 प्लस, फिर उसके बाद लिखा है -10, फिर दोबारा लिखा है -10। जब कभी 2 से ज़्यादा टर्म्स होंगी, ठीक है, और उनके साथ यानी 2 से ज़्यादा डायरेक्टेड नंबर्स होंगे जिनके साथ प्लस या माइनस लगा हुआ है, और आपको उनका सॉल्यूशन करना है, तो उसमें एक रूल याद रखिएगा कि पता है क्या करो, पहले सेम साइंस को सॉल्व करो। और सेम साइंस को कैसे सॉल्व करते हैं भाई? सेम साइंस को ऐड करना होता है ना, तो सेम साइंस को ऐड कर दो और फिर डिफरेंट साइंस के लिए सॉल्व करो। जब आप इस सीक्वेंस में चलोगे तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। तो बेटे माइनस के 55 वैसे ही लिखा रहने देंगे। सबसे पहली टास्क तो ये होगी कि ये डबल डबल साइन जो नजर आ रहे हैं पहले इनको क्या करें, सिंगल करें। अब ये बताइए प्लस और माइनस, माइनस आएगा क्यों? डिफरेंट साइंस है तो हमेशा जब मल्टीप्लाई होते हैं डिफरेंट साइंस तो आंसर माइनस आता है। ठीक है, ये बन गया -10 और फिर दोबारा -10 है। अब बताइए, अब यहाँ पे तो तीनों का साइन सेम है ना? नहीं, कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहे हैं। अब देखो, अब तुम्हें या तो प्लस करना है या माइनस करना है, ये डिसाइड करना है। बच्चे अब इसको जब देख रहे हो ना, तो इसमें कोई मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा कि तुम प्लस माइनस 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 प्लस, कुछ भी नहीं ऐसा बोलने की जरूरत। अब सिर्फ ये ऑब्जर्व करो कि पहली वैल्यू क्या है, माइनस का 55, दूसरी वैल्यू क्या है, माइनस का 10, तीसरी वैल्यू क्या है, माइनस का 10। इनमें ये ऑब्जर्व करो कि भाई कोई 2 ऐसी वैल्यूज हैं इन 3 में से जिनका साइन डिफरेंट है या सेम है? कोई 2 ऐसी हैं या तीनों ही ऐसी हैं? तीनों का साइन सेम है,
जब दो से ज़्यादा टर्म्स होंगी ना, तो भाई तुम ये करना, दो से ज़्यादा डायरेक्टेड टर्म्स होंगी तो ये करना कि आप ढूंढोगे सेम साइन किस किस का है। पहले सॉल्व करोगे फॉर सेम साइन, और सेम साइन का मतलब क्या है, दैट यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द टर्म्स। ठीक है, तो भाई सेम साइन तो तीनों का ही सेम आ रहा है इसमें, तो तीनों को ऐड कर दो डायरेक्टली, तीनों को ऐड कर दो। और सेम साइन का रूल अभी बताया कि सेम साइन जब होते हैं तो ऐड करते हैं, और साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 55 और 10 ऐड करो क्या आ रहा है, 65, और 65 और 10 ऐड करो क्या आ रहा है, 75। तो 75 और इसका साइन क्या होगा, माइनस। समझ आया? चलो एक और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस का 12 माइनस एक ब्रैकेट है, फिर लिखा है -8 और फिर -2 +3। जी क्या समझ आ रहा है इसमें, क्या करेंगे पहले? पहले ब्रैकेट पहले ये अंदर वाले ब्रैकेट ओपन कर लें, है ना? तो भाई ये माइनस और ये माइनस क्या आएगा सर? तो फिर मुझे ये दरमियान में जो छोटे ब्रैकेट्स हैं इनको बनाने की ज़रूरत अब नहीं रही, है ना? माइनस माइनस सेम साइज हैं, जब भी मल्टीप्लाई होंगे पॉजिटिव आएगा बेटे। ठीक है, चलो अब बताओ। अब चूंकि ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो भाई ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। इतना तो आपको पता है कि बॉड मास क्या चीज़ है, पहले ब्रैकेट को अंदर सॉल्व कर लें। तो -8 + 2, तब तक हम ब्रैकेट ओपन नहीं कर सकते जब तक ये पार्ट आप कंप्लीटली सॉल्व ना कर लो। ठीक है, तो इतने पार्ट को सॉल्व करना पहले ज़रूरी है। अब ये बताओ -8 + 2 डिफरेंट साइन क्या होता है, डिफरेंट साइन का रूल। खावर क्या रूल है बेटा डिफरेंट साइंस का? सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में आंसर का साइन क्या होता है बेटे? ग्रेटर वैल्यू का। तो बताओ इसका मुझे तुम आंसर बताओगे जल्दी से, -8 + 2 क्या आएगा? सब्ट्रैक्ट करना है, 8 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा क्या आया बेटे? 6 आ गया, और फिर साइन क्या होगा इसमें, 8 और 2 में कौन बड़ा है? 8, तो इसका साइन क्या है? तो आंसर क्या आया? -6। शाबाश। तो पहला तो आपने ये सॉल्व किया, माइनस का 12 वैसे ही लिख दिया, और अब ये ब्रैकेट खत्म हो गया, इसकी जगह आ गया, नहीं बल्कि खत्म नहीं कर सकते क्योंकि इसके बाहर भी एक साइन लगा हुआ है ना, बाहर भी साइन लगा हुआ है। तो ये पहले तो सिंपलीफाई करके -8 + 2 बन गया -6। अब बताइए, अब अगेन साइंस मल्टीप्लीकेशन हो रही है जी, माइनस माइनस प्लस, सेम साइंस, जब भी मल्टीप्लाई होंगे आंसर प्लस आएगा बेटे। अब बताओ, अब ये वो सिचुएशन है कि तीन टर्म्स आपके पास आ गई, और इसमें दो ऐसी हैं जिनके सेम साइन है, और एक ऐसी है जिसका साइन डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। सो आपका रूल क्या होगा, मैंने क्या बताया, पहले सेम के लिए सॉल्व करो और फिर डिफरेंट के लिए। ये वही तरीका है जो आप बेसिकली आप बॉट मास में करते थे, पहले एडिशन लास्ट में सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन का मतलब ये है कि सेम साइज वाले ढूंढो, समझ रहे हो? तो बेटा अब बताओ सेम साइन किसका है, 6 और 3 का, कर दो इनको ऐड करना है, ऐड करके क्या आएगा आंसर बेटे? -12 वैसे ही लिख दिया, प्लस का 6 और प्लस का 3, जब सॉल्व किया क्या आया बेटा, प्लस का 9। सो -12 और +9, आप बताइए जी क्या आएगा, -3। सबको समझ आ गया क्यों आ रहा है -3? बड़े नंबर का साइन है और साइन डिफरेंट है, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया, और फिर सब्ट्रैक्शन के बाद आंसर साइन वो हुआ जो बड़े नंबर का है। सो बेटा अब एक काम ये करो जल्दी से, आप ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसको तो मुझे सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, इसके जितने पार्ट्स बाकी हैं ना, या चलो 2 पार्ट्स अगले एटलीस्ट सॉल्व कर दो मुझे, क्योंकि तो मेरे पास टाइम कम है।
यहाँ पर वर्कशीट में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगेन इसमें बॉन्ड मास की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप ज़रा नोट किया करें बेटा, बॉन्ड मास का सीक्वेंस क्या है। जब एक साथ आ जाए ना सारी टर्म्स, तो फिर उसमें ब्रैकेट ओपन के बाद जो है वो पहले आपने क्या करना है, डिवाइड, फिर मल्टीप्लीकेशन। और ये कब आ चुके च्वाइस, जब एक साथ सारे जो है ना वो ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए आ गए। अब जैसे कि आपकी एक एग्जाम्पल में दिया हुआ है माइनस टू प्लस का थ्री और मल्टीप्लाई 15 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आपके पास ये सवाल आ गया तो इसमें भाई आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट का जो सीक्वेंस है ना वो लास्ट में है, पहले आपको क्या करना है, डिवाइड मल्टीप्लाई। आप बताओ ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे पास वर्कशीट में, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले 3 और 15 मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, फिर आप माइनस टू से इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करना है वो बाद कर। सो फर्स्ट 3 5 3 15 45 और फिर 45। अब चूंकि दोनों पॉजिटिव थे तो प्लस का 45 आएगा बेटा, और इससे पहले क्या था, माइनस का 2। अब बताइए क्या आएगा आंसर, प्लस का 43, ठीक है। अच्छा जी, ये बताइए कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सबने वर्कशीट ओपन की है ना बेटे, सो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट समझ आ रहा है, क्या होगा आंसर। जी आप बताइए, पॉजिटिव 2, खबर आपको समझ आ रहा है, ये 4 का जो पहला पार्ट है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, प्लस 2 सबको समझ आ गया, कोई ऐसा तो नहीं है जिसे नहीं पता। चलो अब ये तो हमारा जो है ना वो बेसिकली कल का टारगेट था, जो हमारा अभी जाके मुकम्मल हुआ है, और आज के टॉपिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है फैक्टर्स। किसे कहते हैं बेटा, ठीक है, फैक्टर्स के बाद मल्टीपल्स किसे कहते हैं। फैक्टर्स और मल्टीपल्स में क्या फर्क है, मैं तो जल्दी से बताऊंगा, फिर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो पूछिएगा बेटा। देखो एक नंबर है, लेट सपोज 10, ये जिस जिस नंबर से डिवाइड हो सकता है कंप्लीटली वो इसके फैक्टर है। जैसे 2 जो है वो इसका फैक्टर होगा, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ठीक है। अब इसका 1 जो है वो फैक्टर है इसलिए, क्योंकि 1 हर एक का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से तो सबको डिवाइड करते हैं। 2 भी होगा, क्यों, क्या 2 5 10, तो 2 के से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। फिर इसी तरह 5 और फिर 10, तो दीज आर द फैक्टर्स दैट कैन डिवाइड कम्प्लीटली अ नंबर। मल्टीपल्स क्या होते हैं, इन कंट्रास्ट विद फैक्टर्स मल्टीपल्स आर, जैसे मैंने कहा ना कि जिस जिसके 10 के जो फैक्टर्स हैं ना, इसका मतलब है जिस जिसके टेबल में 10 आ रहा है वो सारे नंबर फैक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब हम इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जिस जिसके टेबल में 10 आ रहा है वो सारे 10 के फैक्टर्स हैं, क्योंकि उससे वो डिवाइड हो जाएगा। मल्टीपल्स भी बेटा
मल्टीपल्स में क्या फर्क है? मल्टीपल्स समझ लो कि उस नंबर को आप किस किस से जिससे भी मल्टीप्लाई कर दो और वो वैल्यू बन जाए। जैसे मल्टीपल्स ऑफ 10 की बात की जाएगा, ये तो हमने क्या निकाले थे, ये हमने निकाले थे फैक्टर्स ऑफ 10। ठीक है, अगर मल्टीपल्स ऑफ 10 की बात करें तो वो क्या होंगे? मल्टीपल्स ऑफ 10 का मतलब कि 10 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो जो वैल्यू आ जाए। जैसे 10 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, 10 इज अ मल्टीपल ऑफ 10, बट 1 से मल्टीप्लाई कर गया। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 3 से करूंगा तो 40। बेसिकली है क्या ये मल्टीपल? मल्टीपल समझ लो कि आप जब टेबल पढ़ रहे होते हो आप मल्टीपल्स बता रहे होते हो। आप लोगों ने मोस्टली जो क्लासेस में अपने जूनियर क्लासेस में याद किए होंगे, टेबल्स याद किए होंगे, वो 10 तक किए होंगे। तो आपने एक्चुअली लर्निंग जो की है वो 10 मल्टीपल्स की हुई है सब तकरीबन। अक्सर बच्चों को जो है वो 10 से 15 तक के टेबल तो याद कराए जाते हैं। तुम्हें कितने याद है? बोला 10 तक याद है। तो भाई वो बेसिकली क्या होते हैं, वो जो टेबल्स होते हैं वो मल्टीपल्स याद कर रहे होते हो, आप 10 मल्टीपल्स याद कर रहे होते हो सब। अगर आपको क्वेश्चन में क्वेश्चन आ जाए कि भाई राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4, पहले 6 मल्टीपल्स बताओ 4 के। तो भाई 4 वन जार 4, 4 8 12 16 20 24, दीज आर द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। पावर समझ आ रहा है क्या बताया बेटे? जी ये बताओ फैक्टर और मल्टीपल का फर्क पता लगा या नहीं पता लगा? क्लियर नहीं हुआ क्या? क्लियर नहीं हुआ बच्चे? फैक्टर्स किन्हें कहते हैं? फैक्टर्स जिसके टेबल में वो नंबर आता हो। जैसे फैक्टर ऑफ 10 क्या क्या है? 1, 2, 2 क्यों है भाई 10 का फैक्टर? क्योंकि 2 के टेबल में 10 आता है, यानी जब मैं डिवाइड करूंगा ना 2 से 10 को तो मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाएगा, देयर विल बी नो रिमाइंडर। जब कंप्लीटली कोई चीज डिवाइड हो जाएगी तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या है? फैक्टर। ठीक है, और मल्टीपल समझ आ गया क्या चीज होती है? हाँ अब बेटे एक चीज और इसमें शामिल कर दूं, फैक्टर्स के साथ एक लफ्ज यूज किया जाता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स के बहुत सारे डिफरेंट इस्तेमाल हैं। हम जब आगे पढ़ना शुरू करेंगे कि भाई जब एलसीएम एचसीएफ में आएंगे तो आपको प्राइम फैक्टर्स के बारे में भी मतलब का यूज़ भी आता है, तो हम उसे डिस्कस करेंगे। बट अभी पहले ये पता लगा लें कि प्राइम फैक्टर्स बनाते कैसे हैं। भाई प्राइम नंबर पता है क्या होता है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, वन और वह खुद, या जैसे आपने कहा कि वो या तो अपने टेबल में है या वन के टेबल में है, वो प्राइम प्राइम नंबर है। ये जो प्राइम फैक्टर का प्राइम है ना, ये प्राइम नंबर से ही आया है। को याद रखिएगा, लेट सपोज मुझे अगर 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाना है, मुझे बोला कि भाई प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्या फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24।
आप क्या करोगे यहाँ पर, ये इस तरीके से आप एक डिवीजन का सिंबल बनाते हैं, इसे डिवीजन भी कहते हैं इसी चीज को। और आप क्या करोगे, टू सबसे छोटे नंबर से जिससे डिवाइड करते हैं ना, वन के अलावा सबसे छोटा नंबर, वन के अलावा जिससे ये डिवाइड हो सकता है उससे करते जाओ। जैसे टू ट्वेल्थ 12। अब 12 मजीद 2 से हो सकता है, का दोबारा कर दें तो 2 6। और फिर इसी तरह 2 3 का, इसी तरह 3। ये क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है। अब प्राइम फैक्टर्स असल में आपने जो इसके निकाले 24 के, आप नोट करो कि वो कितने आए, वो आए 2 2 2 और 3। आप अगर ये नोट करो, ये तीनों जो फैक्टर्स आपने अलग अलग किए, क्या ये तीनों मतलब चार सॉरी क्या ये चारों प्राइम नंबर हैं या नहीं भाई? 2 और 3 प्राइम नंबर है ना, तो ये प्राइम फैक्टर्स में जो प्राइम का लफ्ज आया ये इसीलिए आया, बिकॉज दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। आप सबसे बेसिक उसमें करते हो, डिवाइड करते जाते हो, और जो नंबर डिवाइड नहीं हो सकता किसी और से वो हमारे आखिर में लिख देते हैं। आपने किए होंगे ऐसे, प्राइम फैक्टर्स निकाले होंगे इससे पहले भी, जब 7 आ जाता था तो 7 डायरेक्ट लिख देते थे, है ना, 1 डायरेक्ट आ जाता था। सो दीज आर एक्चुअली द प्राइम नंबर्स। और आप इस 24 को आप नॉर्मली बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिख के दिखाओ, तो आप इस तरह करके लिख देते हो, क्योंकि ये जब नंबर्स है ना, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो वापसी आपके पास 24 ही आएगा। सो ये एक तरीके से फैक्टराइज करने का तरीका भी माना जाता था, कि आपने किसी एक नंबर को फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर दिया मुख्तलिफ। ठीक है, ये बात समझ आई? अब बेटा कुछ बेसिक चीज़ें उनके यूज़ पे बात करेंगे। अब ये ज़रा मैं जल्दी जल्दी इसके हवाले से डिस्कशन करूँगा। ये आपने काफ़ी दफ़ा लिखा देखा होगा, जिसको हम अगर फुल फॉर्म की जाए तो क्या है, लोवेस्ट या लीस्ट भी कहते हैं, और इसके साथ लगाते हैं लफ्ज़ कॉमन, और ये क्या होता है, मल्टीपल। जी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या मतलब हुआ इसका? आपको क्या ये सिंगल नंबर का होता है? कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया कि एक सिंगल नंबर दे दिया और बोले एलसीएम निकालो? नहीं, कभी नहीं होगा। ये हमेशा दो नंबर्स तो चाहिए इसके लिए, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। और इसका फायदा क्या होता है, मैं तुम्हें एक पहले ना मिसाल देता हूँ। लेट सपोज आपके पास मार्केट गए आप, और मार्केट में आपको ना पैकेट्स खरीदने हैं, एक पैकेट आपने लेना है सॉसेजेस का, जिसके अंदर हर पैकेट में ना 6 पीसेस हैं, और आपने बन का पैकेट लिया, ठीक है, क्योंकि वो बन नहीं आते, बन में सॉसेज रख के आजकल बच्चे खा रहे होते हैं, मैंने बोला चलो वही मिसाल दे दूं। सो बन का जो पैकेट पैकेट मिल रहा है आपको, उसमें 8 पीसेस हैं, सही है। अब आपके पास एक सवाल आ गया वहां पे, भाई मैंने जो है ना वो ये खरीदने तो हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सॉसेज और बन, मैं इसके इतने पैकेट दोनों के खरीदूँ कि टोटल नंबर ऑफ सॉसेजेस और टोटल नंबर ऑफ बंस इक्वल हो जाए, सही है? अब तुमने 2 पैकेट बन के लिए तो तुम्हारे पास हो गए 16, और सॉसेज 3 पैकेट हो गए तो 16 तो नहीं होंगे,
18 हो जाएंगे, बराबर तो नहीं हो रहे। सोचो वहां यूज आता है इस एलसीएम को, बताऊं क्या करोगे? अब मैं बता दूं, इसका तरीका बता दूं क्या होगा। इसका तरीका ये हो सकता है कि भाई तुम क्या करो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताने लगा हूँ जो एलसीएम की ही ट्रिक है, लेकिन उसको यहाँ पर देखो। तुमने क्या किया, तुमने बोला एक पैकेट लिया तो 6 पीस आए किसके, सॉसेज के, या तो 6 होंगी। दूसरा पैकेट भी ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे, तीसरा पैकेट ऐड करोगे तो, चौथा, तो पांचवा, फिलहाल यहाँ तक लिख दो। ठीक है, अब तुमने क्या किया, तुमने ना बन का भी हिसाब लगाना शुरू किया। तुमने बोला पहला पैकेट लेता हूँ तो 8 है, दूसरा लिया तो 16, तीसरा लिया तो, चौथा लिया तो। अब तुम इसमें ये नोट करो कि सबसे कॉमन किस जगह पर आया, जहां पर दोनों वैल्यूज कॉमन है। सबसे पहले कॉमन वैल्यू दोनों में क्या आई, 24 आई। तो 24 के लिए तुम्हें सॉसेज कितने पैकेट लेने पड़े, 4। तो तुम्हारे पास सॉसेज आ गए 4 पैकेट्स, और बन कितने आ गए, अब ये तुमने जो किया है ना काम, ये बेसिकली एलसीएम निकाला है। एलसीएम का मेथड ही यही है। एलसीएम पता है किसे कहते हैं, अब मैं जरा बताने लगा भाई। ये जो तुमने नीचे वैल्यूज लिखी, ये क्या थे, ये मल्टीपल्स नहीं थे क्या? एक आपने जो यहां पर सॉसेज की इसमें लिखा, ये मल्टीपल्स ऑफ 6 थे, और ये जो बन के में लिखा आपने मल्टीपल्स ऑफ 8 लिखे। फिर आपने देखा कि यार इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है। ठीक है, हो सकता है मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करता तो ये 36 के बाद दोबारा 48 आता, जब तो ये 48 पे दोबारा कॉमन हो जाता, 8 6 48, दूसरा भी कॉमन मल्टीपल आ जाता। तो मैं क्या करता हूँ उसके बाद, इसका मेथड ही यही है कि पहले आप क्या करो, मल्टीपल्स लिख दो दोनों के, फिर कॉमन मल्टीपल्स देखो, कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, 24 48, इसी तरीके से और होंगे। नहीं क्वेश्चन में लिखो क्या, कॉमन आंसर नहीं ये जरूरी नहीं है सारे निकालने, टास्क क्या है तुम्हारे उस पर बेस करता है। मेरी टास्क थी कि मुझे ऐसा मल्टीपल मिल जाए जो क्या हो, एलसीएम। एलसीएम मतलब कॉमन मल्टीपल में कौन सा हो सबसे लोवेस्ट, सबसे लीस्ट, सबसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या था, 24। अब मुझे तुम खुद बताओ, मैंने 4 पैकेट और 3 पैकेट ले लिया, अगर मैं 48 के चक्कर में जाता तो मैं कितने पैकेट खरीद लेता सिर्फ इस चक्कर में कि मेरे बन और जो है ना वो सॉसेज बराबर है। दुकान तो नहीं लगानी थी, चलो 24 24 पीस तो कंज्यूम हो जाता। मतलब आप महीने की ग्रॉसरी कर रहे हो तो 24 पीस तो एक घर में अगर 2 या 3 बहन भाई हैं तो वो डेली बेसिस पर अगर स्कूल लेके जा रहे हैं तो कंज्यूम हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन दिखा रहा था कि किस जगह पे एलसीएम यूज होता है, और इसी के बहाने से आपने ये भी देख लिया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाला जाता है। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने के 3 मैथड्स हैं, ठीक है, कितने मैथड हैं, 3। जो मैथड अभी मैंने आपको बताया, दिस इज कॉल्ड कॉमन मल्टीपल मैथड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम, कॉमन मल्टीपल मैथड। इस कॉमन मल्टीपल मैथड को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आप स्टेप्स लिख देता हूं इसके। पहला स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1, राइट
मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। हर नंबर के पहले मल्टीपल्स लिख दो जिस जिसका आपको क्या करना है एलसीएम निकाल दो। सेकेंड स्टेप, फाइंड कॉमन मल्टीपल्स। अगर आपको कोई कॉमन मल्टीपल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब आपको मल्टीपल्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। फाइंड कॉमन मल्टीपल, आपको मल्टीपल कोई कॉमन ढूंढना है एंड देन लेबल द लोवेस्ट मल्टीपल एज एलसीएम। जो भी लोवेस्ट मल्टीपल आया उसमें सबसे छोटा उसको आप एलसीएम कह देंगे। दैट्स इट। क्या हो यार इतना तो ऊपर है, क्यों छल्लू छल्लू क्यों देख रहे हो? अब जैसे आप लोगों को टास्क देता हूँ भाई मैं, अब आप लोग ऐसा करो मुझे 10 और 12 का एलसीएम निकाल के दिखाओ। जी बेटा, कॉमन मल्टीपल मैथड्स। गड़बड़ नहीं कर गए बच्चे? मल्टीपल्स लिखने हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है ना। क्या है आंसर? इज़ियान आपका भी यही है बेटे? हाँ या कुछ और है? जी क्या है आंसर बेटे आपको? बेटा पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट फॉलो द स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? राइट मल्टीपल्स ऑफ ईच नंबर। 10 के मल्टीपल्स लिखो भाई। मल्टीपल्स क्या है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ठीक है। इसी तरह 12 के मल्टीपल्स लिख दो बेटे। 12, 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, देन 72। पहला जो इसके अंदर कॉमन मल्टीपल जो हमें एक ही मिला काफ़ी मेहनत के बाद वो है 60। सो यही हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम।